स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज बलिया। अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय की मौत के मामले में सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव क्या बोले। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मणिये नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय की मौत के मामले में सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। कई राज छिपे हैं और जांच होगी तभी कई राज सामने आएंगे। इस मामले पर उन्होंने दुख भी व्यतीत किया। आत्महत्या की तो क्या मानते हैं इस मामले में, किस तरह के घटना, ये कैसा दबाव हो सकता है? मंजरी राय जी जो मनियर में वो यू थी, एक पढ़ी लिखी महिला है और पढ़ी लिखी महिला होने के नाते अब जो घटना हुई, सबसे पहले तो हम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी के तरफ से मैं दुख व्यक्त करता हूं कि ये बहुत दुखद घटना हुई है, ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और जो उनके भाई द्वारा तहरीर दी गई है या उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई है, जो भी इसमें दोषी हो, जो भी व्यक्ति दोषी हो, चाहे वह नगर का, नगर पालिका का या टाउन एरिया के कर्मचारी से लेकर के जो भी व्यक्ति दोषी हो, उसको दोषी को हर हालत में सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मेरी मांग भी है। कहीं ना कहीं लोग सूत्रों के माने तो फाइन की वजह से उनकी कोई मौत हुई थी, जबरन जिनको उसमें दस्तक कराया गया, ये मानना है लोगों का। अब तो ये सही बात, मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, अध्यक्ष मनियर में जो टाउन एरिया अध्यक्ष गुप्ता जी और यू मंजरी राय जी का, ये सही बात, दोनों का संयुक्त दस्तखत से ही सब कुछ होता है। अब किस तरह से दबाव था, कैसे दबाव था, क्या दबाव था, वो तो सब जांच का विषय है। आप खुद स्वयं रह चुके हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और पहले तो हमेशा और चारों तरफ आप देखते रहते थे, जिस तरह से एक हत्या और आत्महत्या का सामने प्रकरण सामने आ रहा है, परिवारजन का कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई है और बाकी जो देखा जा रहा है, जो पुलिस मौके पर पहुंची जो प्रथम दृष्टिया में दिखाया गया कि आत्महत्या की गई, जो और प्रकरण सामने आ रहे हैं, जो सुनने को आ रहे हैं कि टेंडर का मामला लेकर हुआ है, क्या इतना दबाव हो जाता है कि एक पीसीएस रैंक की अधिकारी जो अधिशासी अधिकारी वो फांसी लगा ले, अपनी आत्मा को ही हमेशा के लिए शांत कर दे, यानी आत्महत्या कर ले, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा जिला पंचायत में ऐसी टेंडर को लेके या किसी और चीज़ को लेके इतना दबाव हो जाता है कि आदमी अपनी जीवन त्याग दे? मैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, हमारे अपर मुख्य अधिकारी भी लोग रहे, मैंने 5 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बलिया चूसे, सबसे बड़ी संस्था है बलिया, किससे बड़ा संस्था कोई संस्था नहीं, संस्था को मैं जिला पंचायत अध्यक्ष मान रहा हूँ। अध्यक्ष और अपर की संयुक्त दस्तखत से ही सब कुछ होना है। राजनीतिक व्यक्ति के सामने जो चुनौती आती है, राजनीतिक व्यक्ति उसको स्वीकार करता है, और पीसीएस रैंक के भी अधिकारी के सामने भी चुनौती आती है, पीसीएस अधिकारी भी उसका स्वीकार करता है, और दोनों लोग स्वीकार करने के बाद ही हम लोग बलिया के खाका को सब लोग हम लोग तैयार भी करते हैं कि कैसे बलिया का विकास हो सके। बाकी दुख हो रहा है उनके सामने, मंजरी राय जी के सामने कैसे ये परिस्थितियाँ सामने आई, कारण कैसे आए कि इतना बड़ा कदम जो कभी जीवन में नहीं उठाना चाहिए, उनके सामने जो चुनौती आई उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, बाकी वह नहीं, महिला नहीं सह पाई और वह घटना हो गई, चाहे वो टेंडर का सवाल हो या रुपये का सवाल हो या जो कुछ भी सवाल हो, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, अनर्थ हुआ हो, और जो इसमें शामिल हो, जिस तरह से उनकी हत्या हो गई हो, कोई भी व्यक्ति चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी कीमत पर प्रशासन हर हालत में, मेरी मांग है कि प्रशासन किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शे ना, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ये मेरी मांग है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।